भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपना 40वां जन्मदिन आज मना रहे हैं। कप्तानी, बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग के दम पर महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट की दुनिया में अपनी अलग जगह बनाई है। आइए जानते हैं इस खास मौके पर महेंद्र सिंह धोनी के उन 5 रिकॉर्ड के बारे में। माही की कप्तानी में भारत ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में उनकी कप्तानी में भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप पर कब्जा किया। इसके बाद उनकी कप्तानी में भारत 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी जीतने में सफल रहा था, जिसके बाद धोनी ICC की सभी 3 ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान थे। धोनी बल्लेबाजी और कप्तानी के अलावा अपनी विकेट कीपिंग स्किल्स के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा 192 बार खिलाड़ियों को स्टंप किया है। वो इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे ज़्यादा स्टंपिंग करने वाले विकेट कीपर हैं। धोनी भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा बार कप्तानी कर चुके हैं। उन्होंने 60 टेस्ट, 200 वनडे और 72 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की है। इसके अलावा वो भारत के सबसे सफल कप्तानों में से भी एक हैं। धोनी ने 2005 में श्रीलंका के खिलाफ जयपुर में नाबाद 183 रन की पारी खेली थी। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। उनसे पहले ये रिकॉर्ड महान एडम गिलक्रिस्ट के नाम था। धोनी दुनिया के एकमात्र कप्तान हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतक बनाया है। उन्होंने ये शतक पाकिस्तान के खिलाफ 2012 में बनाया था। इस दौरान उन्होंने 113 रन की पारी खेली थी। उनसे जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 2 अप्रैल की तारीख सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। ये वो दिन था जब महेंद्र सिंह धोनी के धुरंधरों ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा किया था। भारतीय टीम 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में श्रीलंका को मात देकर इतिहास रची थी। इस ऐतिहासिक जीत को आज 10 साल हो गए, इसमें इसका जश्न मनाया जा रहा है। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपना सिर मुड़वा लिया था। धोनी ने ऐसा क्यों किया था, इसका खुलासा तब के टीम मैनेजर रंजीव बिस्वाल ने किया है। रंजीव बिस्वाल ने बताया कि जीत के बाद खिलाड़ियों ने सुबह 4:30 तक पार्टी की थी और हैरानी तब हुई जब हम लोगों ने सुबह देखा कि धोनी ने सिर मुंडवा लिया है। रंजीव बिस्वाल ने कहा कि वर्ल्ड कप के सफर में ये सबसे हैरान कर देने वाला पल रहा। उन्होंने कहा कि फाइनल के बाद सुबह हम लोग धोनी को इस रूप में देखेंगे, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। हमने देर रात तक ड्रेसिंग रूम में जश्न मनाया था। उसके बाद हम सभी अपने अपने रूम में चले गए थे और सुबह जो हमने देखा वो हैरान कर देने वाला था। धोनी ने सिर मुंडवा लिया था। उनको देखने के बाद तो कुछ देर के लिए हम सन रह गए। बिस्वाल ने कहा, जब तक जश्न चल रहा था तब तक धोनी हम लोगों के साथ ही थे। बाद में वह अपने रूम में गए और उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया। उन्होंने अपने इस प्लान के बारे में किसी को नहीं बताया था। रंजीव बिस्वाल ने कहा कि धोनी अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही रखते हैं, वो जाहिर नहीं करते। रंजीव बिस्वाल ने कहा कि मुझे लगता है कि धोनी ने कोई संकल्प लिया होगा, असल वजह क्या थी हमें भी नहीं पता। बता दें कि उस वक्त ये भी कहा गया था कि धोनी ने विश्व कप शुरू होने से पहले रांची में अपने घर के करीब स्थित मंदिर में मन्नत मांगी थी। पुजारी ने उन्हें सुबह 2:45 से 3 के बजे के बीच सिर मुंडवाने की सलाह भी दी थी।